राधे राधे दोस्तों, आज बात करते हैं आचार्य प्रशांत की। उनकी सोशल लाइफ के बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, आप उनका नाम YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। हम आचार्य प्रशांत के पोजीशन के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम आचार्य प्रशांत के अप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे, उनके गुणों के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बड़े बड़े YouTube स्टार, बड़े बड़े YouTube स्टार मोटिवेशनल स्पीकर्स के जितना इनके फॉलोअर्स नहीं हैं, बिकॉज ये उन सब की तरह किसी के अहंकार को पोषण देने का काम नहीं करते, बल्कि ये आपके झूठे अहंकार को तोड़ने का काम करते हैं। और दुनिया है कि वो अपनी अच्छाई सुनना चाहती है, सच्चाई नहीं। और मोटिवेशनल स्पीकर्स तुम्हें वही तो सुनाते हैं, तुम्हारी अच्छाई। मोटिवेशनल स्पीकर्स तुम्हें बहुत कुछ दिखाते हैं, सुनाते हैं। उनके पास एक्टिंग है, उनके पास म्यूजिक है, उनके पास चिल्लाने की स्किल है। बस किसी तरीके से तुम्हें डीजे के पास रहने पर जो इमोशन फील होता है, बस वही फील करा देते हैं और तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आचार्य प्रशांत तुम्हें तुम्हारी ही नज़रों में गिराते हैं। गुरजीएव कहता है कि जब तुम अपनी नज़रों में गिरते हो तभी तुम अपनी जिंदगी में ऊपर उठते हो। दूसरों की नज़रों में गिरना एक नकारात्मक घटना है, लेकिन खुद की नज़रों में गिरने से ही बदलाव की एक नई शुरुआत शुरू होती है। खुद की नज़रों में गिरने से ही उठने की एक नई क्रांति शुरू होती है। ओशो कहा करते थे कि ठोकर खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, ठोकर खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया था। आचार्य प्रशांत उसी पत्थर का कार्य कर रहे हैं ताकि तुम्हें ठोकर लग सके और तुम नीचे गिरो, और तुम्हारी नींद खुले, तुम नीचे गिरो ताकि तुम उठना सीख जाओ। उनकी पूरी कोशिश तुम्हें नीचे से ऊपर उठाने की है, और ऐसा तभी होगा जब तुम्हारे पैर में ठोकर लगेगी और तुम नीचे गिरोगे। उनकी पूरी कोशिश तुम्हें जगाने की है, तुमको तुम्ही से मिलाने की है। एक मोटिवेशनल स्पीकर आप में एक अस्थाई परिवर्तन ला सकता है, जैसे तालाब में कोई बुलबुला उठता है और नष्ट हो जाता है। मोटिवेशन भी इसी तरीके से है, बुलबुले की तरह उठता है और नष्ट हो जाता है। लेकिन एक सत्य दृष्टा जो कि आधुनिक संसार से भी पूर्णतः परिचित है, जो कि अध्यात्म की गहरी समझ रखता है, जो कि इंसान की मनोस्थिति से पूर्णतः परिचित है, जब वह बोलता है ना तो एक वैयक्तिक क्रांति घटित होती है, इनर रेवोल्यूशन। और मैं मानता हूँ कि सामाजिक क्रांति, सोशल रेवोल्यूशन बगैर पर्सनल रेवोल्यूशन के घटित नहीं हो सकती। और जो व्यक्ति अपने शब्दों से किसी के हृदय में एक इनर रेवोल्यूशन, आंतरिक क्रांति उत्पन्न कर देता है, आचार्य प्रशांत उनमें से एक हैं। इन्हें आप इनर रेवोल्यूशनिस्ट भी कह सकते हैं। ऊपर मैंने जितनी भी बातें कही, आप उस पर एक सवाल उठा सकते हैं, जैसे कि अगर आचार्य प्रशांत में इतनी ही विशेषताएं हैं, इतनी ही स्पेशलाइजेशन है, इतने ही यूनिक हैं, तो फिर भारत के मोटिवेशनल स्पीकर्स के मुकाबले इनके इतने कम फॉलोअर्स क्यों हैं, जहां एक एक मोटिवेशनल स्पीकर्स के 20-20 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वहां आचार्य प्रशांत के इतने कम क्यों? तो इसका आंसर मैं एक मिसरे से देना चाहूंगा, पता नहीं है किसने लिखा है, लेकिन गजब का लिखा है। दोपहर तक बिक गए बाजार के सभी झूठ, दोपहर तक बिक गए बाजार के सभी झूठ, और हम शाम तक एक सच लेकर बैठे रहे। लोग अच्छाई सुनना चाहते हैं, सच्चाई नहीं। और सच कड़वा होता है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि कड़वी दवा भी होती है, लेकिन दवा आपके भीतर की सभी बीमारियों को नष्ट कर देती है। आचार्य प्रशांत की बातें हमें सहलाती नहीं हैं, सीधे चोट करती हैं। हम सोए हुए हैं, प्रशांत हमें जगाते हैं, लेकिन हमारी नींद बहुत गहरी है, और जब हम जागते नहीं हैं तो प्रशांत पानी डाल देते हैं और हम बहुत क्रोधित होकर उठते हैं। लेकिन जब नींद टूटती है और संसार की सुंदरता दिखाई पड़ती है, जब आनंद की हवाएं हमें छूती हैं, जब हम सफलता की ऊंचाई पर पहुंचते हैं, और जब
शांत मन से हम आंखों को बंद करके अपने सफर की शुरुआत के पल को देखते हैं ना, तब याद आते हैं आचार्य प्रशांत जैसे लोग जो हमें सच के मार्ग पर चलना सिखाते हैं, जो हमें हमारी मुश्किलों से लड़ना सिखाते हैं, और फिर उन्हें सोचकर हम मुस्कुराते हैं और फिर एक यात्रा शुरू होती है मुस्कुराने की, खुद को खुद से मिलाने की, प्रकाश से अंधेरे को मिटाने की। आज इतना ही, राधे राधे।